से शौचालय वाली बात तो आपने सुनी होगी और उसी शौचालय पर अगर पूरी फिल्म बना दी जाए तो क्या कहने। टॉयलेट एक प्रेम कथा में अक्षय कुमार की कॉमेडी तो लाजवाब है ही, साथ ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देती है फिल्म कितना कमाल कर पाती है ये देखना बाकी है। अब इसका पहले दिन का कलेक्शन भी आ चुका है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर आधारित इस फिल्म को देश भर में 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इसका बजट 40 करोड़ है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस फिल्म को वन वर्ड रिव्यू में एक्सीलेंट करार दिया है। ये फिल्म समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए ध्यान में रखकर बनाई गई है। तरण आदर्श के ट्वीट की बात करें तो इस फिल्म ने 13 करोड़ 10 लाख की कमाई की है। अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर ने बेहतरीन अभिनय किया है। अक्षय की कॉमेडी तो बेहतरीन है ही, साथ ही एक बढ़िया मैसेज के साथ बनाई गई इस फिल्म को देखा जा सकता है। अक्षय इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं। अब टॉयलेट एक प्रेम कथा को पूरे भारत में टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये फिल्म दूसरे दिन कितना कलेक्शन करती है ये जानने के लिए हमारे चैनल HSB News को सब्सक्राइब करें।